साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 30 जून तक बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बताया जा रहा है कि 2024 के चुनाव पर नजर रखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्हें जनता के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक विशाल रैली के साथ इस संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं 31 मई को पीएम मोदी की रैली होगी। जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में रैली आयोजित की जा सकती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इसके उपलक्ष्य में आज से महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो 9 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के पूरे हो चुके हैं, दूसरा ये कार्यकाल है और पूर्व बहुमत से दोनों बार नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है। आने वाले समय में भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार जीत की हैट्रिक उसको लगाना है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, उसी दिन शाम 6 बजे एक बैठक की गई थी दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी जहां भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में हैं इस बैठक में मौजूद थे और बाकायदा रणनीति तैयार की गई कि 30 मई से लेकर 30 जून तक ये एक महीने के अभियान चलाया जाएगा, जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, तमाम रैलियां आयोजित की जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव में रैलियां आयोजित होती थी, उसी प्रकार का अभियान जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसके मद्देनज़र ये आयोजन किए जाएंगे और सरकार 9 साल की उपलब्धियों को गिनाएगी। सरकार ने बकायदा एक स्लोगन भी दिया है, 9 साल बेमिसाल। 9 साल में सरकारी योजनाओं में कितने काम हुए, क्या क्या काम किया गया, कहाँ कहाँ देश का श्रीनगर से चौड़ा हुआ, इन सारी बातों की एक रोडमैप तैयार की गई है और जनता को इस रोडमैप को समझाया जाएगा। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन में, वो इस जनसंपर्क अभियान में सक्रिय रूप से नजर आएंगे और जनता को साधते हुए नजर आएंगे कि 9 सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में क्या कुछ काम किया, क्या कुछ इंतजाम किया गया। विवेक, मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक की, उनकी रैली के साथ इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। किन किन मंत्रियों को कौन कौन सा जिम्मेदारी मिली है, कौन कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो जब ये बैठक हुई थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल थे। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश पर फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और जिसकी बात भी सभी राजनीतिक दल स्वीकारते भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा ये रैली मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और भी प्रदेशों में जमकर जो है आयोजित की जाएगी। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से 9 साल व्यतीत हो चुके हैं, सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल बिताए हैं और लगभग 10 महीने का समय लोकसभा चुनाव के लिए शेष है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी पार्टी कहा जाता है, वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है। संगठन और कार्यकर्ता 24/7 लगातार अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए खड़े रहते हैं और जो भी जिम्मेदारी बकायदा संगठन के पदाधिकारियों के अलावा छोटे कार्यकर्ताओं को भाजपा में दी जाती है, वो काम जो है वो संगठन से लेकर छोटे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी से पूरा भी करते हैं। आज से बकायदा चीजें शुरू हुई है। आज ही लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी भी है और ब्रिटिश सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी है। अलग अलग जगह पे भाजपा ये कार्यक्रम कर रही है और सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। बकायदा बुकलेट और रोड मैप के माध्यम से 9 साल की उपलब्धियां गिनाने का काम हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं
जो सरकार इस माध्यम से प्रचारित करना चाहती है, प्रसारित करना चाहती है। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात में 26 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी बकायदा ये कार्यक्रम रहेगा। होम टाउन है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, तो ये मजबूत बेल्ट है। यहाँ और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार को, अपने अभियान को तेज करना चाहेगी, ताकि घर को जो है वो और भी ज्यादा सुरक्षित किया जा सके। इसके बाद अगर बात की जाए जहाँ जहाँ पे उनका शासन नहीं है, जहाँ उनकी सरकार नहीं है, अभी कर्नाटक में उनकी सरकार नहीं है, राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं है, तो जहाँ उनकी सरकारें नहीं है वहाँ इस कार्यक्रम और भी बृहद और विस्तृत तरीके से आयोजित करने की बात की जा रही है, जिससे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ऐसे राज्यों में जहाँ बीजेपी शासित वो राज्य नहीं है वहाँ से भी बीजेपी को फायदा मिले, वहाँ से भी उनका वोट प्रतिशत में इजाफा देखा जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं आज से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, जहां अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने शराब घोटाले में रिश्वत के तौर पर 622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। तो आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मनीष सिसोदिया के ईडी के तरफ से कहा गया है कि 622 करोड़ का रिश्वत लिए हैं मनीष सिसोदिया। गंभीर आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, 622 करोड़ का रिश्वत लेने का गंभीर आरोप भी लगा है। जी बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए झटके का काम है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से उनकी याचिका खारिज की गई है कहीं ना कहीं अब उनकी समस्याएं बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फरवरी माह से जेल में बंद है और लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मनीष सिसोदिया के मामले में केजरीवाल सरकार को आम आदमी पार्टी की तमाम व्यवस्थाओं पर देखना, हमने देखा है कि वहाँ पर जवाब देना पड़ रहा था, और लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर आज भी कहती आ रही है कि आपके बड़े बड़े मंत्री हैं वो जेल में बंद है, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें और चाहे डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की बात करें। सबसे अहम कड़ी ये है, शराब आबकारी घोटाले का ये मामला है, और यहाँ पर ही कहा गया था कि गैर तरीके से, अवैध तरीके से लोगों को शराब के टेंडर यहाँ पर दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस दिनेश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर सबूत जो हैं वो कहीं ना सबूतों के साथ और व्यवस्था का खिलवाड़ कर सकते हैं, दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी जमानत याचिका को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इनकी खारिज की जा सकती है और कहीं वो खारिज कर दी गई है। और बात करें मंत्री, ये फैसला 11 मई को ही सुरक्षित कर लिया गया था, पर आज फैसला सुनाया गया है और फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका नजर आ रहा है। गौरव, मनीष सिसोदिया का देखा जाए तो अब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, इसके आगे क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं मनीष सिसोदिया अपने पक्ष में? कर दिए तो एक ही ऑप्शन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको जाना हो भाई, आपके लिए विकल्प है, और इसके अलावा कोई विकल्प आपके पास पता नहीं है, क्योंकि वहाँ जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है, तो आपको उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जाए, और कोई विकल्प उनके पास नहीं है। और जिस तरह से इनके आरोप है और जिस तरह सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था, सीबीआई ने सबूत पेश किए हैं, कहीं ना कहीं ये मामला इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किल लगातार बढ़ती चली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, वो हमारी व्यवस्था है, वो हमारी न्याय व्यवस्था का एक चरण होता है कि जब भी हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होती है या मामला आप उसके निर्णय संतुष्ट नहीं है, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वहां जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में याचिका की सुनवाई के बाद क्या फैसला है, या ये भी महत्वपूर्ण है। इसी मामले में हमने देखा है कि अगर हाईकोर्ट किसी मामले में फैसला लेता है तो सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को यहाँ पर कंटिन्यू करता है, ऐसे खिलाफ नहीं जाता है। जो सबूत अगर यहाँ पर हाईकोर्ट में दिखाए गए हैं, जब हाईकोर्ट उस सबूतों से संतुष्ट होकर या याचिका खारिज कर सकता है, तो उम्मीद कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कर सकता है, अब तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाए। पर निश्चित रूप से यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किल है और आम आदमी पार्टी की मुश्किल है लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव।
दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी साहिल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने साहिल को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश कर रिमांड ली। वहीं अब पुलिस साहिल से आगे की पूछताछ करेगी। इससे पहले पुलिस ने हत्या के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल ने लड़की की हत्या कर रिठाला के खुले मैदान में चाकू फेंक दिया था। सोमवार रात पुलिस टीम चाकू बरामद करने के लिए उस मैदान में गई, लेकिन चाकू बरामद नहीं हुआ और अब पुलिस टीम चाकू रिकवर करने के लिए दोबारा मैदान में जाएगी। तो बता दें कि जिस तरीके से कल दिल्ली के एक वीडियो सामने आई, दिल्ली से जहां पर पूरे देश के रोंगटे खड़े कर देने वाली, मानवता को शर्मसार कर देने वाली वीडियो सामने आई, जहां पर साहिल ने एक 16 साल की लड़की साक्षी पर 16 बार चाकू से वार कर दिए, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस चाकू से साहिल ने वार किया था उसको दिल्ली के रिठाला में फेंक दिया था। पुलिस रिठाला गई थी लेकिन चाकू बरामद नहीं हुआ है। साक्षी मर्डर केस का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। वहीं साक्षी के मर्डरर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के रिमांड पर साहिल को रखा गया है और कोर्ट में पेशी की जाएगी, उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। तो 2 दिन के रिमांड में साहिल को रखा गया है। बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से कल वीडियो आई थी सामने, साक्षी 16 साल की लड़की को जिसका नाम था साक्षी, साहिल ने 16 बार चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। तो बता दें कि साहिल को बुलंदशहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। 2 दिन के रिमांड में साहिल को रखा गया है, उसे आगे की पूछताछ की जाएगी। साक्षी मर्डर केस मामले में साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि साहिल ने हत्या कर जिस चाकू से साक्षी पर वार किया था उसको रिठाला में फेंक दिया था। पुलिस वहां गई थी लेकिन चाकू बरामद नहीं हो पाया है। साक्षी मर्डर केस का मामला अब कोर्ट में आज साहिल को पेश किया जाएगा। बता दें कि साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस तरीके से कल वीडियो सामने आई, पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए, मानवता को शर्मसार करते हुए वीडियो सामने आई थी। 16 साल की लड़की साक्षी को साहिल नाम के युवक ने 16 बार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद साहिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के रिमांड पर है, उसे आगे की पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी साहिल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने साहिल को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश कर रिमांड ली है। वहीं अब पुलिस साहिल से आगे की पूछताछ करेगी। इससे पहले पुलिस ने हत्या के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल ने लड़की की हत्या कर रिठाला के खुले मैदान में चाकू फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस वहां पर गई थी। सोमवार को रात पुलिस टीम चाकू बरामद करने के लिए उस मैदान में गई, लेकिन चाकू बरामद नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, दिल्ली का एक वीडियो जिस तरीके से कल सामने आया था, मानवता को शर्मसार करते हुए, अब उस आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 2 दिन के रिमांड पर रखा गया है उसको। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एक शाहबाद डेयरी के इलाके की ये जो घटना थी, जिसमें 16 साल की किशोरी की साहिल नामक युवक ने बेरहमी से हत्या की थी, क्योंकि जिस तरीके से चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए गए। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से एक घटना हुई और घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला था, फिलहाल उसकी जो गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस तो जरूर ले ली है, लेकिन इस घटना के बाद से साफ कहा जा रहा है कि इन लोगों के अंदर से इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है, क्योंकि जिस तरह से एक किशोरी की सरेरा
चाकू से गोद कर हत्या हो रही होती है। उस हत्या के दौरान उसके आसपास बात की जाए चाहे महिलाओं की या फिर पुरुषों की, दोनों ही लोग उसके इर्द गिर्द नजर आ रहे होते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि साहिल को बचा सके, क्योंकि अगर जिस तरीके से वहां पर लोग थे, अगर उनमें से किसी ने भी हिम्मत दिखाई होती तो जाहिर सी बात है वो जो 16 साल की साक्षी थी वो आज जिंदा होती, क्योंकि लगातार वो अपनी जिंदगी की उस साहिल से भीख मांग रही थी, लेकिन साहिल एकाएक उस पर कई बार करता जा रहा था। इस दौरान वो अचेत अवस्था में होकर जिस तरीके से घायल होकर गिर गई, लेकिन उसके बाद साहिल ने उस पर पत्थर से जो वार किए तो उससे एक जो तस्वीर सामने आई वो एक भयावह तस्वीर थी। फिलहाल इस तस्वीर के बाद दिल्ली एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से अपराध एक चरम सीमा पर नजर आ रहा है, क्योंकि जो बात की जाती है महिलाओं की सुरक्षा की, लेकिन इस सुरक्षा के दावों की पूरी तरीके से पोल खोलती हुई ये तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद से राजनीतिक जो पार्टियां थी उन्होंने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात अगर इसमें कही जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए एक निशाना साधा है, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से फेलियर नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात की जा रही है बीजेपी सरकार की द्वारा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीरों ने पूरी पोल खोली है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी लगातार निशाना साध रही हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उस जिस चाकू से साहिल ने वार किया था उसका उस चाकू को साहिल ने रिठाला में फेंक दिया था, पुलिस वहां पर गई थी लेकिन चाकू बरामद नहीं हुआ है। देखिए जाहिर सी बात है फिलहाल अब जिस तरीके से साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद जिस तरीके से उस चाकू को जहां पर फेंका गया, फिलहाल पुलिस के हाथ वो चाकू नहीं लगा है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उस चाकू को भी जल्द ही बरामद कर लेगी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात ये रही कि पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लापरवाहियां बरतती रही, क्योंकि शनिवार की देर रात की एक घटना यानी कि शाम को 6 बजे जब वो बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रही थी उस दौरान उसकी हत्या की गई, और दिन रविवार भी पूरा बीत गया और सोमवार की दोपहर को जिस तरह से 3 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई, तो साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलिस की इसमें लापरवाहियां दिखी तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो महिला सुरक्षा के दावों की बात है वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो हत्याओं की वारदातें हैं वो लगातार दिन पर दिन बढ़ रही है। फिर चाहे उसमें ये किशोरी की बात की जाए या फिर अन्य हत्याओं की बात की जाए, फिलहाल जिस तरीके से साक्षी की हत्या हुई थी उससे देश के लोग भी सन्न रह गए थे, क्योंकि इस मामले में एक बड़ी बात यह थी कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों काफी समय से एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन इस दौरान आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसको लेकर साक्षी को मौत की नींद सुलानी पड़ी। फिलहाल अब इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से हत्यारोपी साहिल को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिनों की रिमांड ली है, तो रिमांड में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस मामले में कई मामलों पर पूछताछ होगी कि आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा था और आखिर क्या कुछ वजह थी, क्योंकि जिस तरीके से भयावह तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर केवल एक गुस्से की तस्वीर नहीं, ये एक बदले की तस्वीर थी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्यार में इस तरीके से प्यार का अंत इतना खतरनाक किया, तो इसको लेकर लोगों के अंदर भी एक जो भयावह तस्वीर बनी हुई है, लोगों के अंदर जो एक आक्रोश बना हुआ है उस आक्रोश को लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस मामले में पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती, क्योंकि जब इस घटना की जानकारी हुई तो पुलिस को पहले ही वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, या फिर जो आसपास के लोग थे उन्हें इस मामले में हिम्मत जुटानी चाहिए थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर सरकार हमारी बेटियों की बहनों की सुरक्षा नहीं कर रही तो क्या हम भी उसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि अगर जिस स्थान पर ये तस्वीर है वहाँ पर अगर लोगों ने हिम्मत जुटाई होती तो जाहिर सी बात है वो हत्यारोपी फरार भी नहीं होता और साक्षी भी आज हम लोगों के बीच में होती, या फिर अगर इसमें हम कहते हैं हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि उसके हाथ में चाकू था उस तक नहीं जा पाए, तो वहां पर जो तस्वीरें दिख रही थी तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि आसपास काफी पत्थर भी पड़े थे, अगर वहां के जो लोग गुजर रहे थे अगर उन लोगों के द्वारा उस पर
पथराव भी किया जाता तो जाहिर सी बात है हत्यारोपी वहां से दूर भागता और साक्षी को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन जो तस्वीरें आई उससे साफ कहा जा सकता है कि वहां से जो गुजर रहे लोग थे उनके अंदर से पूरी तरीके से इंसानियत खत्म हो चुकी थी, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए कि वो लोग भले ही जिंदा थे लेकिन वो लोग जिंदा के नाम पर एक मुर्दा थे, क्योंकि उन लोगों ने इस मामले में पूरी तरीके से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जिसके कारण उस 16 साल की लड़की को नहीं बचाया जा सका। और शासन प्रशासन बेरहमी से हत्या की और मौके से भागने के तमाम सवाल उठते हैं, शासन प्रशासन से लेकर और साहिल से भी तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब देखिए इंसाफ की जो मांग की जा रही है, इंसाफ की जो बात है, इंसाफ को लेकर के अब साहिल की गिरफ्तारी तो हो गई है और इसको रिमांड पर भी ले लिया गया है, लेकिन जो चाकू था वो चाकू तो अभी नहीं बरामद किया जा सका। लेकिन नंदनी जी इसमें एक बड़ी बात ये है कि इंसाफ अपनी जगह, लेकिन जो लोगों के बीच इंसानियत थी वो इंसानियत अपनी जगह थी, लेकिन क्या इंसानियत लोगों के बीच से खत्म हो गई उसकी तस्वीर ये साफ है, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से कहा जाता है वहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि गृह मंत्री यानी कि अमित शाह के हाथ में पूरी कानून व्यवस्था वहां की है, तो आखिर कानून व्यवस्था में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? क्योंकि साहिल जिस तरीके से दिल्ली में इस हत्याकांड को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद लगभग वहां से 110 किलोमीटर की दूरी पर जा करके अपनी बुआ के घर में ठहर गया, तो क्योंकि 110 किलोमीटर का जो दायरा है, क्या पुलिस को इस मामले में भी किसी तरह की भनक नहीं लगी? क्योंकि पुलिस जिस तरीके से दावा करती है, सर्विलांस टीम यानी कि सर्विलांस के माध्यम से आरोपी पर पल पल की निगाह रखना, तो क्या सर्विलांस भी उस मामले में पूरी तरीके से फेल दिखा? क्योंकि साहिल ने 110 किलोमीटर का दायरा भी कवर। साठ दिन और 74 मैच के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2023 को अपना चैंपियन मिल गया। बताया जा रहा है कि रविवार को होने वाला फाइनल बारिश के कारण सोमवार शाम शुरू हुआ और मंगलवार देर सुबह करीब 2 बजे तक खत्म हुआ, जिसमें अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराया। साथ ही सीएसके के ट्रॉफी उठाने के साथ ही आईपीएल 16 का समापन हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, आईपीएल 16 का समापन हो गया, वहीं सीएसके ने एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दो महीने चले इस आईपीएल के त्योहार, क्रिकेट के त्योहार के अगर बारे में बात की जाए तो जिस तरीके से फाइनल मुकाबले के दिन बारिश की वजह से पूरा दिन बाधित रहा था, उसके बाद रिजर्व डे के दिन ये मैच शुरू हुआ और कहीं ना कहीं इसमें भी बारिश का खलल देखा गया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रनों का पहाड़ सा स्कोर चेन्नई के सामने खड़ा किया, जिसके बाद चेन्नई की पारी शुरू होने पे पहले ओवर में ही बारिश ने दस्तक दे दी थी, जिसके बाद डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन बनाने थे। अगर जवाबी शुरुआत की बात की जाए तो चेन्नई के दोनों ओपनर ने बढ़िया शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 74 रन जोड़ लिए, लेकिन इसके 4 रन के अंतराल के अंदर दोनों ओपनर चलता बने। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे ने स्थिति को संभाला और आगे की तरफ पारी को ले गए, लेकिन उसके बाद मोहित शर्मा एक ऐसा स्पेल लेके आए जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। इस समय तक गुजरात के हाथ में गेम बन चुका था, लेकिन आखिरी ओवर के आखिरी 2 गेंदों में जो मुकाबला हुआ रविंद्र जडेजा और मोहित शर्मा का, उसमें रविंद्र जडेजा ने अपना अनुभव दिखाते हुए बाजी मार ली और 5वीं गेंद पर छक्का और 4थी गेंद पर लेग बाई के रूप में 4 रन मिलने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने ये निर्णायक मुकाबला आखिरी गेंद पर जीत लिया। जिस तरीके से गुजरात इस पूरे मैच में हावी रहा था और आखिरी के 2 गेंदों पे जिस तरीके से ये बाजी पलटी है, कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स बधाई के पात्र है। 5वीं बार ये आईपीएल सीजन जीता उन्होंने और मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लिया। जिस तरीके से माना जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा, तो हर सपोर्टर्स चेन्नई का और चेन्नई की पूरी टीम ये खिताबी फाइनल जो है जीतना चाहती थी और आखिरी 2 गेंदों में जो निर्णायक मुकाबला हुआ वो काफी बेहतरीन रहा और आईपीएल जिसलिए आईपीएल जाना जाता है उस हिसाब का फाइनल मुकाबला भी देखा गया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम।